आपने कई बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स देखे होंगे, लेकिन इस बिफोर एंड आफ्टर कैटेगरी में जो सबसे चौंकाने वाला पिक्चर है वो ये है। ये है दुबई 30 years ago और ये है दुबई नाउ। और भी पिक्चर्स देखिए स्क्रीन पर। ये शेख जाहिद रोड है, 5 से 6 buildings आपको मुश्किल से दिख रही हैं। और अब ये आज का शेख जाहिद रोड देखिए। इसके अलावा दुबई मरीना के फोटोज आप देख लीजिए, और भी ढेरों सारे बिफोर एंड आफ्टर फोटोज आपको देखने मिल जाएंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो ये हुआ है पिछले 30 साल में। यही नहीं, दुबई एक वक्त एक छोटा सा फिशिंग विलेज था जहाँ सिर्फ 700 से 800 ट्राइबल लोग रहते थे। मिट्टी के घर थे और छतें पाम ट्री के पत्तों से बनाई जाती थी। यही नहीं, लेट 19th सेंचुरी में दुबई में एक बार आग भी लग गई थी जिसमें आधा दुबई जलकर खाक हो गया था। मतलब जो घर पहले कच्ची मिट्टी से बने थे वो भी जलकर खाक हो गए। फिर भी दुबई आज इतने कम समय में एक गरीब सिटी से इतनी बड़ी सिटी कैसे बन गया जो आज न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों को टक्कर देता है। इसके पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखकर आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि अगर टॉप की लीडरशिप किसी कंट्री की अच्छी है तो उस देश को बदलने में टाइम नहीं लगता। और हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि स्टूडियो में बैठकर बात करना बहुत आसान बात है, असली सच्चाई तो जमीन पर जाकर ही पता चलती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप 100% राइट हैं। अभी लास्ट मंथ ही मैं दुबई होकर आया हूँ, तो इस वीडियो में जो भी बातें होगी वो हवा हवाई नहीं होगी। मैं जमीन पर चीजों को देखकर आया हूँ। दुबई जाने से पहले मैंने रिसर्च की थी, दुबई आने के बाद भी काफी दिनों तक ही रिसर्च चली, और उसके बाद ये वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और वीडियो की शुरुआत में कुछ लोगों की गलत फहमियाँ थोड़ी दूर कर देता हूँ। अब काफी लोगों को ऐसा लगता है कि दुबई एक कंट्री है, तो वैसा नहीं है। दुबई एक सिटी है, यस, जो आता है एमिरेट्स ऑफ दुबई में, और एमिरेट्स ऑफ दुबई इज वन ऑफ द 7 emirates ऑफ UAE। और UAE कंट्री है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और जो 7 emirates है वो अलग अलग कंट्रीज हुआ करते थे बिफोर 1971। और इन सारे एमिरेट्स पर किसका राज था? ब्रिटिश लोगों का। फिर 1971 में इन 7 emirates ने मिलकर एक कंट्री बनाई जिसका नाम रखा गया UAE। ये 7 emirates पहले 9 emirates होने वाले थे, पर कतार और बहरीन ने एंड मोमेंट में UAE में शामिल होने से मना कर दिया। और आप स्क्रीन पर ये 7 emirates देख सकते हो। यानी दुबई इज लाइक मुंबई। अब मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है और महाराष्ट्र भारत के 28 स्टेट्स में से एक है। अब UAE में क्या होता है कि अबू धाबी के जो रूलर हैं उन्हें प्रेसिडेंट कहते हैं, और दुबई के जो रूलर हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर प्लस वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। और इन दोनों को दो अलग अलग फैमिलीज रन करती है। अबू धाबी को अल नैन फैमिली रूल करती है और दुबई को अल मक्तूम फैमिली रूल करती है। UAE एक कंप्लीट मोनार्की है, यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया कि UAE एक कंट्री है जिसमें 7 emirates है। अब इन 7 में से सबसे बड़ा एमिरेट है अबू धाबी, जो 87% ऑफ द लैंड है UAE का। और एमिरेट्स ऑफ दुबई की बात करें तो वो मात्र 5% है ऑफ टोटल UAE। बट अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 36 lakh लोग दुबई में रहते हैं, जो कि पूरी पॉपुलेशन के अराउंड 30% है। और 36 lakhs में 90% से ज्यादा तो लोग बाहर के हैं, जिसमें हम इंडियंस 50% से भी ज्यादा है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और कई सारे अलग अलग कंट्रीज से हैं। मैं भी जब वहाँ पर गया तो मुझे लगा कि शायद वहाँ पर लोग अरेबिक में बात करेंगे, पर मैंने पर्सनली अरेबिक बहुत कम सुनी। ज्यादातर लोग वहाँ पर इंडियंस और पाकिस्तानी थे, यानी आपका हिंदी में काम चल जाएगा। यही नहीं, कुछ लोग दुबई को इंडियन सिटी आउटसाइड ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दुबई UAE की एक छोटी सी सिटी है अगर एरिया वाइज बात करें तो। मैप पर आप देख सकते हो इतनी छोटी कंट्री में एक छोटा सा एमिरेट्स और उस एमिरेट में एक छोटा सा दुबई, और इस छोटे से दुबई का पूरी दुनिया में इतना बड़ा नाम कैसे बना? तो चलिए जानते हैं। जैसे कि हर स्टोरी के एक हीरो होते हैं, वैसे ही इस स्टोरी के भी एक हीरो हैं, जिनका नाम है शेख रशीद बिन सईद अल मक्तूम। शेख रशीद एक बहुत अच्छा उदाहरण है इस बात का कि अगर किसी देश के नेता ईमानदार और नेक है तो देश की तकदीर बदलने में वक्त नहीं लगता, यानी कि ये से ये होने में देर नहीं लगती। एक सबसे अच्छी उनकी जो क्वालिटी थी शेख रशीद की, वो थी फॉरवर्ड थिंकिंग। वो जब सोचते थे तो सिर्फ आज का नहीं सोचते थे, 10-20 साल के आगे का सोचते थे। आज के टाइम में अगर किसी को सक्सेसफुल होना है तो उन्हें भी इस तरह की फॉरवर्ड थिंकिंग रखनी चाहिए। जिस किसी फील्ड में आप काम कर रहे हो या फिर उसका स्टडी कर रहे हो, वो आने वाले 10-15 साल बाद भी मौजूद होनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा दिवाली कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जहाँ पर आपको हमारे शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स और फंडामेंटल रिसर्च 2.0 इस कॉम्बो में शेयर मार्केट के बेसिक से लेकर कंपनी कैसे ढूंढनी है, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करना है, उसका वैल्यूएशन कैसे निकालना है, उसमें मल्टीबैगर पोटेंशियल है या नहीं, सारी चीजें आप सीख जाएंगे। यानी कि अच्छी कंपनी कौन सी है, वो सही वैल्यूएशन पर है कि नहीं, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। 12,000 rupees का ये कॉम्बो आपको मिल रहा है सिर्फ 4,998 rupees में, जहां पर एक कोर्स की प्राइस में आपको 2 courses के कॉम्बो मिल रहे हैं, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस और सर्टिफिकेट के साथ। तो इस ऑफर को किसी भी हालत में मिस आउट ना होने दे। इसके डिस्काउंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और इस प्राइस में आपको ये कॉम्बो आगे कभी नहीं मिलेगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, ये दिवाली कॉम्बो वाली। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेख रशीद 10 से 15 साल एडवांस का सोचते थे,
अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि दुबई जो बना है वो ऑयल के पैसों से बना है। आप भी किसी को पूछकर देखिए कि दुबई इतना अमीर कैसे बना, उनका सिंपल सा जवाब होगा ऑयल से। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ऑयल तो दुबई में 1966 में डिस्कवर हुआ है। उसके पहले से ही शेख राशिद ने दुबई का डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। शेख राशिद जो थे उन्होंने लंदन में अपनी स्टडीज कंप्लीट की और वो लंदन के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। वो ये बात समझ गए थे कि अगर दुबई को भी लंदन जैसी सिटी बनाना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब वो लंदन से रिटर्न आए तो उन्होंने ब्रिटिश आर्किटेक्चर्स को हायर किया दुबई बिल्ड करने के लिए। हालांकि दुबई के पास तब उतना पैसा नहीं था, पर जो भी था उन्होंने उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना शुरू किया। 1958 में वो दुबई के रूलर बने थे और उन्हें पता था कि विदाउट प्रॉपर प्लानिंग दुबई एक वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बन सकती। उन्होंने ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉन हैरिस को हायर किया जिन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसी के साथ हैरिस ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी डिजाइन किया था जो 20 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इसके अलावा उसी साल शेख राशिद ने दुबई का फर्स्ट एयरपोर्ट बनाया जिसका रनवे कच्ची सड़क थी और एयरपोर्ट की एक छोटी सी टर्मिनल बिल्डिंग थी, क्योंकि उस टाइम दुबई के पास भी ज्यादा पैसा नहीं था। और आपको जानकर ही आश्चर्य होगा कि शेख राशिद ने लोन लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने अपने भाई जो कि कतार के राजा थे उनसे लोन लिए। उन्होंने और ज्यादा हाईवेज, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स को बनाना शुरू किया। और जब उन्होंने काफी हेवीली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना शुरू किया तो वेस्टर्न मीडिया में चर्चा होने लगी कि शेख राशिद अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब ये इंडिया के बारे में भी लागू होता है कि जब इंडिया में भी कोई प्रोजेक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर टूरिज्म के लिए कुछ किया जाता है तो वेस्टर्न मीडिया से उस तरह के कमेंट्स आज भी आते हैं। लेकिन शेख राशिद को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि कोई कुछ भी बोले, एक चीज़ तो वो समझ गए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज मस्ट अगर किसी भी कंट्री को प्रॉस्पर करना है। तो आप समझ लो प्रॉस्पेरिटी की न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपकी सिटी में टूरिज्म प्लेसेस नहीं है तो टूरिस्ट आएंगे गोप्रो कैमरा के साथ और स्लम में घुसकर व्लॉग्स बनाएंगे जो कि हम मुंबई में अक्सर देखते हैं। फॉरेन व्लॉगर्स धारावी में आते हैं और व्लॉग्स बनाकर लाखों व्यूज ले लेते हैं, पर दुबई के रूलर इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे इसलिए उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को ज्यादा भाव नहीं दिया और अपना काम बरकरार रखा। पर ग्रोथ अभी भी स्लो थी क्योंकि दुबई के पास उतना पैसा नहीं था। तो वो कहते ना कि आपकी नीयत अगर अच्छी है तो आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाता है, और बिल्कुल वैसा ही कुछ दुबई के साथ हुआ 1966 में। दुबई के कोस्टल एरिया में ऑयल डिस्कवर हुआ पर उसकी जो क्वांटिटी थी वो बाकी गल्फ कंट्रीज के मुकाबले काफी कम थी। और आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कहावत है कि इफ रिच एंड स्टेबल कंट्री गेट्स ऑयल इट बिकम्स रिचर, बट इफ पुअर एंड करप्ट कंट्री गेट्स ऑयल देन इट बिकम्स पुअरर। यानी एक अमीर और स्टेबल कंट्री में ऑयल डिस्कवर होता है तो वो कंट्री और अमीर बन जाती है, और अगर कोई गरीब और करप्ट कंट्री में ऑयल डिस्कवर होता है तो वो और गरीब बन जाती है। हम ये वेनेजुएला में देख सकते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स वहां पर हैं, लेकिन ये वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज में से एक है जहां की 20% पॉपुलेशन देश छोड़कर भाग चुकी है। वहां के कई सारे लोगों ने इलीगली यूएस में एंटर करने की कोशिश की थी, उस चक्कर में काफी सारे लोग जख्मी हो गए, कुछ मर भी गए थे। इसके अलावा आप नाइजीरिया का एग्जाम्पल ले सकते हो ढेरों सारे एग्जाम्पल्स। और शेख ये बात अच्छे से जानते थे कि सिर्फ ऑयल के बेसिस पर किसी भी कंट्री का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल ऑयल खत्म होगा। और इसीलिए उन्होंने जो भी रेवेन्यू ऑयल से आता था उसको पूरी की पूरी दुबई की इंडस्ट्री में डालना शुरू किया, जैसे कि रियल एस्टेट, टूरिज्म, आईटी और फाइनेंस। इसके अलावा उन्होंने थ्रू आउट 70s पोर्ट्स और रोड्स का काम जारी रखा। जैबल अली पोर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हार्बर था उसका काम भी इसी दौरान कंप्लीट हुआ। इसी के अलावा उन्होंने टैक्सेस को बहुत कम किया। दुबई में करंटली हम बात करते तो जीरो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स 85 लाख तक जीरो है और उसके ऊपर सिर्फ 9% का, क्योंकि अगर टैक्स कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन ये चीज अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे नेताओं को नहीं पता। इसी के अलावा शेख को ये भी पता था कि देश की सॉफ्ट पावर बढ़ाने में स्टेट एयरलाइंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए उन्होंने 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की जो कि आज वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस इन द वर्ल्ड है। हमारी भी एक एयरलाइन थी, उसकी क्या हालत हुई थी उसके बारे में ना ही बात करें तो बेहतर है। लेकिन हर पिक्चर का एंड होता है और इस कहानी का भी अंत होता है। 1990 में शेख की डेथ हो जाती है, पर जैसे एक पिक्चर का एंड होता है पिक्चर का पार्ट 2 रिलीज होता है और शेख के बड़े बेटे मक्तुम बिन राशिद दुबई के रूलर बन जाते हैं और अपने पिता का अधूरा काम वो जारी रखते हैं। पर 1991 में गल्फ वॉर शुरू हो जाती है जिसमें दुबई को काफी भारी भक्कम नुकसान हो जाता है, पर गल्फ वॉर की लड़ाई में दुबई ही असली विजेता बनकर सामने आता है, क्योंकि दुबई वेस्टर्न एलिस था और गल्फ वॉर के समय वेस्टर्न कंट्रीज दुबई के पोर्ट को एज अ रिफिलिंग बेस यूज करती थी। और जैसे ही बाकी नेबरिंग कंट्रीज में हालत खराब हो जाती है तो वहां के ट्रेडर्स और बिजनेसमैन दुबई आके शिफ्ट हो जाते हैं और दुबई एक सेफ हेवन बन जाता है फॉर बिजनेस पीपल, जिसका फायदा दुबई को आने वाले दशकों में होने वाला था। 1996 से मक्तुम बिन रशीद दुबई को एक टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप करना शुरू कर देते हैं, और यही वो समय है जब बुर्ज अल अरब होटल बनना शुरू हो जाता है जो कि कहा जाता है कि दुनिया का अकेला 7-स्टार होटल है। हालांकि होटल का मैनेजमेंट ऐसा क्लेम नहीं करता लेकिन लोग कहते हैं। इसी के अलावा दुबई इंटरनेट सिटी और दुबई मीडिया सिटी का भी काम शुरू होता है जो कि आईटी और मीडिया कंपनीज को दुबई में लेकर आती है। इन दोनों एरियाज में आपको अमेज़न देखने मिल जाएगा, गूगल, एचपी और ढेरों सारी कंपनीज के ऑफिसेज आपको यहां पर मिल जाएंगे।
पर इस पार्ट टू का भी एंड आ जाता है जब 2006 में मक्तूम बिन राशिद की डेथ हो जाती है और फिर उनके छोटे भाई मोहम्मद बिन राशिद दुबई के रूलर बन जाते हैं और ये आज भी दुबई के रूलर हैं। इनके टाइम में दुबई मॉल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, वो बनकर रेडी हो जाता है। 2010 में बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वो बनकर तैयार हो जाती है और फिर ढेरों सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी बनकर रेडी हो जाते हैं। ये एक टूरिज्म प्लेस है जहां मैं गया था लास्ट मंथ, इसे द फ्रेम कहते हैं। यहां आप आखिरी फ्लोर से पूरा दुबई देख सकते हो, कमाल का व्यू दिखता है यहां से पूरे दुबई का। इसके अलावा ढेरों सारे टूरिस्ट प्लेसेस बनकर रेडी है और ये सब बिजनेसेस हैं। सब में आपको एंट्री फीस लगती है, जैसे कि बुर्ज खलीफा में आपको 6000 रुपीज से प्राइसिंग शुरू हो जाती है। आप जितना ऊपर फ्लोर्स में जाना चाहते हैं आपको उतनी ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है। आप समझ सकते हो कि दुबई को कितनी सारी इनकम आती होगी जब लाखों लोग हर साल यहाँ पर आते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च भी करते हैं। मैं जहाँ पर रह रहा था उसके बिल्कुल सामने काफी सारे विलास थे, बीच में लगुन था और सारे फॉरेनर लोग वहाँ पर थे। इसके अलावा ढेरों सारी टूरिज्म प्लेसेस वहाँ पर बनाई गई, जैसे कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुबई फाउंटेन, दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू। दुबई मॉल हो गया जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। इसके अलावा पाम जुमेरा आइलैंड है जहाँ पर मैं रुका था। पाम जुमेरा के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको मैप से जरूर ये आइलैंड छोटा लग रहा होगा, पर रियलिटी में ये एक बहुत बड़ी जगह है। तो ऐसे डजन्स ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस वहाँ पर है और ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस का किसी भी कंट्री के लिए होना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि 90% ऑफ द दुबई प्रॉपर्टीज आर ओन बाय फॉरेनर्स। पर ये सब तो अच्छी बातें हो गई, हर सिटी की एक डार्क साइड भी होती है। वैसे ही दुबई की भी डार्क साइड है। आप ये स्क्रीन पर दुबई अनकवर्ड रिपोर्ट देख सकते हो। इस रिपोर्ट में आपको पूरी दुनिया के क्रिमिनल्स जिन्होंने दुबई के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है उनकी लिस्ट मिलेगी। आपको यहाँ पर ब्राजील, रशिया, यूरोप, पाकिस्तान और इंडिया के क्रिमिनल्स का भी नाम मिल जाएगा। इस रिपोर्ट में अगर इंडियन नाम की बात करो तो दो नाम सामने आए। पहला तो नीरव मोदी का नाम सामने आया। नीरव मोदी के दुबई के गोल्ड टावर में 1.5 मिलियन यानी तकरीबन 12 करोड़ की 3 प्रॉपर्टीज थी जो उसने बाद में बेच दी। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट में नाम आने वाले विनोद अदानी की 15 प्रॉपर्टीज दुबई में है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो 2 अपार्टमेंट्स इन साउथ रिज 1, 7 ऑफिसेज इन लिवा हाइट्स, 1 विला इन डिस्ट्रिक्ट 9 एंड 5 मजाया बिजनेस एवेन्यू AA1। इनकी तकरीबन टोटल निकल कर आती है $45 मिलियन यानी लगभग 245 करोड़ रुपए। इसके अलावा कई सारी रिपोर्ट्स के अनुसार काफी सारे इंडियन क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने दुबई में अपना पैसा छुपाया है। काफी बेटिंग कंपनीज दुबई से ऑपरेट करती हैं। इसके अलावा जो वर्कर्स की हालत है, खास करके इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और फिलीपींस की, तो कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया है कि वहां के एम्प्लॉयर उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं और उनसे 7 दिन काम करवाते हैं, बाद में उनके पासपोर्ट भी अपने पास ले लेते हैं। तो ये पहलू पर भी बात करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही नहीं कर सकते, ये भी दुबई का एक सच है। पर ओवरऑल एक सिटी को इस मुकाम पर लेकर जाना इज नॉट इजी, तो उस चीज़ की तारीफ भी होनी चाहिए। जाते जाते हमारी कॉम्बो ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि इस तरह की ऑफर्स आपको बाद में नहीं मिलेगी। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न शेयर मार्केट इन डेप्थ इन डिटेल इस दिवाली, और ये सारे कॉम्बोज देखने के बाद इस तरह का एनालिसिस आप खुद भी कर पाएंगे। आपको उसके बाद किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर आप बन पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कॉम्बो के पहले एपिसोड में।